क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई क्या क्या देख रही है दया? आपका क्यों, मैंने क्या किया? कितने महान हैं आप, आपने इतनी बड़ी सिद्धि हासिल की है फिर भी आप जमीन पर ही हैं। आपको पता है आप कौन है? कौन हूँ? आप जीपीएल 3 के विजेता है, जबाज कैप्टन है। अरे आपने तो इतिहास का निर्माण किया है, आपने तो वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर सकते। और आपने अपनी काबिलियत का झंडा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लहरा दिया है। और आज आपकी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए मैं दोपहर को आपके लिए स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। अच्छा, क्या 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 स्पेशल खाने में क्या बनाने वाली है दया? वही जो खाते खाते आपका मन कभी नहीं भरता, खिचड़ी, कढ़ी, बाजी न रोटला, छोटा मोटा नो साग, मूंगी दाल नो सीरो, भजिया अने ढोकला। दया तूने तो मुंह में पानी ला दिया। एक काम करता हूँ, तो मैं अभी दुकान जाता ही नहीं हूँ, तेरे हाथ का यह गर्मा गर्म खाना खाने के बाद मैं दुकान जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप दुकान जाइए, क्योंकि मेरे जाबा जानू के लिए मैं खुद दुकान में टिफिन लेकर आने वाली हूँ। ओहो फोर डी क्या? डी 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 मतलब दया के हाथ से डायरेक्ट दुकान में डिलीवरी। हाँ तो ए छोरी एक बात पूछू? हाँ। क्या तू दुकान में वैसे ही टिफिन लेके आएगी जैसे गांव की गोरी खेत में टिफिन लेके जाती है? हाँ। मैं आपके लिए ऐसे सर पर टिफिन रखूंगी, मटकी रखूंगी और यहाँ कमर पर पानी की मटकी रखूंगी और फिर छम 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 करके आपको टिफिन देने आऊंगी। पर तू ऐसे छम छम करके आएगी तो टिफिन ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ तो मैं छम करके रिक्शा में बैठ जाऊंगी और फिर छम 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 करके आ जाऊंगी। ये छम 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 क्या था? अरे रिक्शा फासन फास दौड़ेगी तो छम 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 होगा। और फिर मैं रिक्शा में से उतर के छम 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 करके आपकी दुकान के अंदर पहुंचूंगी और फिर आपको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वाह वाह दया वाह, तेरी ये सब बातें सुन के तो मुझे जीपीएल 4 भी जीतने का मन कर रहा है और मैं जीतूंगा। हाँ बोलिए नटू काका। सेठ जी आप दुकान कब तक पहुँच रहे हैं? नहीं मैं अभी बस घर से निकल ही रहा हूँ, आप अभी तक नहीं पहुँचे? अरे हम तो कब के पहुँच गए सेठ जी। तो फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी बात ही कुछ ऐसी है कि हमारे उत्साहित दिल ने हमारे समझदार दिमाग से कहा कि आपको फोन करें और हमारे आज्ञांकित हाथों ने आपका नंबर घुमा दिया। अब ये बटक बोली जुबान आपसे वो बात कहने के लिए बहुत उतावली हो रही है। कौन सी बात? सेठ जी गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अच्छा? हाँ सेठ जी, ये गुड न्यूज सुनकर आप कांगारू की तरह उछल कूद करने लगेंगे, ऐसी गुड न्यूज है। अरे वाह क्या क्या गुड न्यूज क्या है? नहीं 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 ऐसे नहीं सेठ जी, आप दुकान आइए फिर बताएंगे। अरे भाई बताने भाई। नहीं नहीं सेठ जी, क्योंकि क्या है गुड न्यूज सुनने के बाद आपके चेहरे पर कैसी खुशी आती है वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए सेठ जी आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, गुड न्यूज आपकी राह देख रही है। हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ, फटाफट आता हूँ। हाँ 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 जल्दी आइए जल्दी। दया आज का दिन तो कमाल का निकला। क्यों क्या हुआ? अरे अभी नटू काका और बागा कह रहे थे उनका भी कुछ गुड न्यूज देना है, कह रहे थे जल्दी दुकान आइए बाद में बताते।
तो आज डबल उत्साह हो गया। मैं काम करती हूँ आपके साथ साथ नटू काका और बागा भाई के लिए भी टिफिन लेकर आती हूँ। साथ मिलकर खाने से स्वाद दोगुना हो जाता है। वाह वाह, सच कहा मेरी अन्नपूर्णा। आज आपका टिफिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सब्र का फल मीठा होता है। आज तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पता नहीं दुकान में नट्टू काका और बागा क्या गुड न्यूज देने वाले हैं। सेठ जी खुश होंगे होंगे। सेठ जी खुश होके नाचेंगे नाचेंगे। नाचते हुए सेठ जी हमारी पगार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। इस बार हमारी बरसों की इच्छा पूरी होगी। खुशियों के दिन आएंगे। अरे धूम मचेगी धूम मचेगी धूम। हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगी जूम। हमारे बैंक अकाउंट में सेठ जी हमारे जूम उठेंगे जूम। खुश खबर सुन के। अरे क्या खुश खबरी है बताओ तो सही। अब तो मैं दुकान में भी आ गया। वेलकम सेठ जी वेलकम। आइए। बागा तुझे सेठ जी के चेहरे पर की खुशी देखनी थी ना तो तू ही बता दे। नहीं नटू काका आप बताइए ना। अरे बता ना बेटा। नहीं नटू काका क्योंकि क्या है अगर मैं बताऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बात में ही रहेगा। फिर मैं सेठ जी के चेहरे की खुशी ठीक से देख नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ आप बताइए ना। गॉट इट। सेठ जी दरअसल बात यह है कि कल मैं और बागा रात को घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारे पुराने कस्टमर मिल गए। अच्छा कौन? गुलाबचंद भाई। नाम मत लो गुलाबचंद का मेरे सामने। लालची कहीं का। कितने साल मैंने उसका सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे माल दिया फिर भी पिछले साल वो मीरचंदानी ने एक टीवी के पीछे हमारे भाव से सिर्फ 50 पैसा कम का भाव दिया तो पूरा 100 टीवी का ऑर्डर उसने घुमा के उसको दे दिया। 100 टीवी के पीछे वो क्या कमाया क्या फायदा हुआ उसको? सिर्फ 50 रुपया। 50 रुपये के लिए उसने हमारे इतने सालों का संबंध भुला दिया। वही तो सेठ जी, वो कल जब मिले तो इसी बात को लेकर बहुत पछता रहे थे। हाँ कह रहे थे कि 50 पैसे की लालच मुझे बहुत भारी पड़ी। तो कैसे? मीरचंदानी ने जो 100 टीवी भेजे थे उसमें से 10 तो डिफेक्टिव निकले। देखो जब कंप्लेन की तो मीरचंदानी ने हाथ ऊपर कर दिए। वो तो करा गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जा गया त्यांथी सवार। अब से आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ऑर्डर लिखवाइए। हम लोग बात कर लेंगे सेठ जी से। मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है गुलाबचंद भाई, आपके पहले ऑर्डर पर हमारे सेठ जी शायद आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। हाँ चलेगा? तो उन्होंने कहा चलेगा और तुरंत 200 टीवी का ऑर्डर दे दिया सेठ जी। बात कर रहा है बागा? 200 टीवी का ऑर्डर गुलाबचंद ने दे दिया। हाँ सेठ जी। नटू काका वो भी बिना डिस्काउंट के। हाँ सेठ जी। नटू काका ये तो जबरदस्त खुश खबर है। वाह वाह नटू काका वाह मजा आ गया मजा आ गया बागा। 200 टीवी का ऑर्डर वाह वाह वाह। जाओ नटू काका बागा जाओ, ये बड़े ऑर्डर पे मैं तुम दोनों को कमीशन दूंगा बस। नटू काका बागा। और सुनो आप दोपहर को बाहर खाना खाने मत जाना। दया हम तीनों के लिए घर से स्पेशल खाना लेके आने वाली है। सच सेठ जी? हाँ बस सेठ जी बस, अब रुलाएंगे क्या? नहीं तो काका नहीं। ए बागा नहीं नहीं बेटा नहीं, बस बस अच्छे दिन आ गए हैं। चलो मम्मी दाल का सिरा तैयार है और कढ़ी। क्या खुशबू है, टप्पू के पापा तो खुश हम खुश हो जाएंगे। और खिचड़ी हो रही है, खिचड़ी हो रही है। हे हार जाती है जिसके सामने वांगिया बड़ी बड़ी उस डिश का नाम है खिचड़ी और कड़ी। अरे भाई खिचड़ी और कड़ी, खिचड़ी और कड़ी था थैया थैया।
बात है। दया दया बहुत नाच गाना हो गया, चलो चलो जल्दी सेव टमाटर की सब्जी बनानी है, बाजरी का रोटला बनाना है, चपाटो बोलाओ। बहू तुमसे मिलने रोशन बेटी आई है। हाँ आई बापूजी आई। चाचा जी केम छे हो? मजे में एकदम मजे में। तू केम छे दिख रहा? फाइन छे हो, थैंक यू। राशन भाभी आई आई है, बोले कैसे आना हुआ? देव भाभी मुझे ईस्ट चाहिए। हम लोग ईस्ट में तो है, गोरेगांव ईस्ट। नहीं नहीं वो दही जमाने के लिए जो लगता है ना वो। ओ अच्छा अच्छा मेड़वाड़। हाँ वो क्या है ना, रोशन और गोगी को हर रोज अमृतसरी लस्सी चाहिए और उसके बगैर तो उनको चलता ही नहीं है, और मुझे हर रोज दही जमाना पड़ता है, और वो क्या है ना कल मैं दही जमाना भूल गई। कोई बात नहीं मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा दया भाभी एकदम मस्त खाने की खुशबू आ रही है, खाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। एक काम कीजिए, आज आप सोडी भाई और गोगी हमारे घर पर खाने के लिए आ जाइए, मजा आएगा। अरे सोडी तो गराज गया है, फिर कभी आएंगे। थैंक यू। आप रुकिए मैं आई हूँ मेड़वन लेकर। थैंक यू। एक मिनट फोन आया। हाँ जी हेलो। अरे अरे बोलो बोलो मेहमान, केम छो, मजा में ने? हाँ हाँ मैं भी एकदम मजे में हूँ, एकदम अड़ी कम। पता चला कि नहीं जीपीएल 3 में हमारी टीम जीत गई। हाँ हाँ वो आखिर के विजय रन मैंने ही बनाए। आप भी आइए कभी, आपको भी हमारी टीम में ले लेंगे। लीजिए राशन बाबू। थैंक यू। एक मिनट ना बहू का फोन लेता हूँ। बहू ले तुम्हारी माँ का फोन। एक मिनट। हाँ मैं। अरे वाह जीपीएल 3 आपके जवाई जीत गए हैं। अरे बहुत मजा गया माँ। माँ मैं तो कहती हूँ तुम जीपीएल 3 में आ जाते ना तो हम दोनों मिलके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डालते। नहीं 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 अभी तो नहीं है, तुम्हारे जवाई दुकान गए हैं। माँ आज उनके लिए चटकेदार खाना बनाने वाली हूँ और मैं खुद दुकान जाकर उनको गर्मा गर्म टिफिन देने वाली हूँ। हाँ हाँ माता जी कोई अजीब घटना होने वाली है, पर माँ क्या होने वाला है वो तो बताओ। ठीक ठीक है माँ मैं ध्यान रखूंगी। हाँ 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 बाय। सूट है दया भाभी। वो मेरी माँ को कभी कभी आभास होता है, आगे क्या होने वाला होता है ना उसको पहले से ही पता चल जाता है, और माँ ने अभी बताया कि आज मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। कैसी घटना? वो तो पता नहीं, बस कोई घटना घटने वाली है, समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला होगा। नहीं नहीं रेया भाभी आप टेंशन मत लो, खुदाई जी सब अच्छा ही करेंगे। हाँ बराबर, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई हमारा क्यों बुरा करेगा। तो पछी? चलो मैं चलती हूँ। हाँ, हाँ मुझे भी जल्दी जल्दी टप्पू के पापा के लिए टिफिन तैयार करके दुकान जाना है। हाँ। इंतजार कर रहे होंगे। ओके चलो बाय बाय बाय। क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हो रहा है सेठ जी? खुशी खुशी हो रही है नटू काका, बरसात के मंदी सीजन में तुम दोनों ने 200 टीवी का ऑर्डर लगा तेजी तेजी ला दी। अरे आप दोनों तो मेरे हुक्म के इक्के हो। इक्के इक्के नहीं सेठ जी, तो जोकर। जोकर? जोकर कहीं भी फीट होकर हारी हुई बाजी जीताता है ना। हाँ ये बात आपने 100% की कही नटू काका। शाबाश शाबाश मेरे जोकर हो शाबाश। अरे बागा काम तो कर। हाँ? इसी बात पे हम तीनों के लिए 3 कड़क मस्त मसालेदार चाय तो बोल। नहीं बोलूंगा सेठ जी। क्यों? क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर अभी हम चाय पियेंगे तो हमारी भूख मर जाएगी, फिर गर्मा गर्म स्पेशल खाना खाने का मजा नहीं आएगा। He's right. ये भी तूने बात 100% की कही मेरा जोकर। शाबाश शाबाश। ये खाने की बात निकलते ही भूख अपने आप तेज हो जाती है नहीं।
दया को फोन करके पूछ तो लो, खाना रेडी हुआ क्या नहीं, टिफिन लेके निकले के नहीं। हेलो। हाँ बापूजी, कैसे हो? मुझे क्या होने वाला है, तू बोल क्यों फोन किया? दया कहाँ है, टिफिन लेके निकल गई। ये बुकड़ी बारस, जब देखो तब खाने के बारे में ही सोचता रहता है। अरे अभी तो नाश्ता करके दुकान गए, वापस अभी खाने के बारे में पूछताछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, मैंने तो ऐसे ही पूछा। अच्छा टप्पू आ गया स्कूल से? क्यों, तू उसके साथ क्रिकेट खेलने वाला है? अरे काम में ध्यान देना भाई। ठीक है बाबूजी, ओके ओके बाबूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी, खाना रेडी हो गया? लगभग। हस चलो, सब खाना तैयार है। खमन, खिचड़ी, मम्मी दाल नो सीरो, भजिया, बाजी ना रोटला, सेव टमाटर नो साग, अरे कढ़ी। जल्दी से सब पैक कर देती हूँ और टप्पू के पापा नटका और बागा भाई का दुकान देने जाती हूँ। हाँ वो संभल के जाना। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पौने 12 हो गए। कुछ तूफानी होने वाला है। बराबर, माँ ने भी मुझे कहा था मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, पर क्या घटना घटने वाली है? ये खुशी की फिलॉसफी भी बहुत कमाल की होती है दोस्तों। खुशी का गुब्बारा जब कभी भी फूलता है ना, तो कोई ना कोई पिन आके उसे फोड़ देती है। अब देखिए ना, दया भाभी ने ये फैसला किया कि GPL 3 में जेठा के जाबाज की जीत की खुशी में तो स्वादिष्ट व्यंजनों भरा टिफिन भेजेंगे जेठालाल को। और उधर दया भाभी की माँ को ये अंदेशा है कि कोई घटना घटने वाली है। अब इधर जेठालाल इंतजार कर रहे हैं दया भाभी के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के टिफिन का, और उधर दूसरी ओर ये टेंशन है कि कोई घटना घटने वाली है। आखिर क्या होगी ये घटना, क्या जेठालाल को दया भाभी के हाथों का टिफिन मिलेगा? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जवाब बड़ा ही रोचक है। जो कुछ भी हो, इस टिफिन में से निकलेंगे हंसी और ठहाक के आपके लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।